आज इसके हम क्लियर करेंगे। तो देखते हैं एटम क्या होता है। सबसे स्मॉल यूनिट होती है किसी भी चीज की, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। दी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैटर इन टेक प्लेस इन द केमिकल रिएक्शन, कि हमारा जो मैटर होता है, जो पदार्थ होता है, उसकी जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो हमारा एटम होता है, ठीक है। इसमें हम जो केमिकल रिएक्शन भी टेक प्लेस करते हैं, मतलब यूज करते हैं। एक इसकी मूवमेंट होती है, जो हमारा एटम होता है, इट मे नॉट बी एग्जिट इंडिपेंडेंटली, मतलब ये जो इसकी इंडिपेंडेंटली होती है, इसकी फ्रीडम होती है, वो कई में फ्रीडम होता है और कई में नहीं होता है। हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एटम के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कोई भी जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वही हमारा एटम है। फॉर एग्जाम्पल नियोन हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गई, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गए, ये जो है ये सारे हमारे क्या है, एटम है, किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है। जो ये हमारे एटम है जितने भी, इनको बहुत सारों ने डिस्क्राइब किया, लेकिन हमने एक ही को जो है मान्य रखा। किसने? यूपीएससी के द्वारा जो दिए गए, हम उन्हें ही रेफर करते हैं। ऐसे तो डाल्टन ने भी दिए थे बहुत सारे, लेकिन क्या किया, उनको रिजेक्ट कर दिया ना, और लास्ट में जो यूपीएससी ने दिया हम उन्हीं को जो है एग्जिट करते हैं। तो देखते हैं जो हमारा एटम है, हमने देखा कि जो हमारा एटम है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, लेकिन हमारे एटम से भी छोटी जो चीज मिली डिस्कवर करने के बाद, वो किसने की, 1800 ने कहा कि सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की है, ओके। उससे पहले हम क्या मानते थे कि जो हमारी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो एटम की है, लेकिन ऐसा नहीं है। जेजे थॉमसन ने 1880 में क्लियर कर दिया कि सबसे जो छोटी यूनिट है, 1880 में किसने किया, किसने डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को, जेजे थॉमसन ने, जे थॉमसन ने, ओके। तो हमने क्या देखा, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये क्या है, इन पे कैसा नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, क्या न्यूट्रल है, क्या पाया उन्होंने, जैसे थॉमसन ने क्या क्लियर किया इनके बारे में। जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जो हमारा प्रोटॉन होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो हमारा न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उस पर नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, सबसे पहले यही बात आती है हमारे माइंड में कि इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स मूव नेगेटिव चार्ज फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, इसलिए जो है हमारा इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ओके, थैंक यू। अभी तो अब हम देख लेते हैं, जब हम एटम पढ़ ही रहे हैं तो देख लेते हैं, जो हमारे एटम होते हैं उनमें दो चीजें और पाई जाती है, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले हम उनके एग्जाम्पल ले, तो जो हमारा एटम होता है उसमें हम देख लेते हैं एग्जाम्पल लेकर कि हमारा एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक मास नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन का ले लेते हैं एग्जाम्पल, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है और एटॉमिक मास होता है वो 15 होता है। तो इसे हमें क्या पता चला कि जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है उसको हम नीचे लिखते हैं और मास को ऊपर लिखते हैं, ओके। तो जो हमारा मास नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर का दुगना होता है 90 केसेस में, ओके। बहुत कम रेयर चांस होते हैं कि वो उससे थोड़ा पॉइंट वगैरह का फर्क होता है तो उससे ज्यादा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम कार्बन का, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारा 6 और मास नंबर इसका दुगना हो जाएगा कितना 12, तो ये हमारे क्या हो गया एटॉमिक नंबर और ये मास नंबर। नेक्स्ट ले लेते हैं हम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारा 8, तो मास नंबर किसका डबल हो गया, क्या हो गया 16,
तो इन तीनों केसेस में हमने क्या देखा, ये भी इसका डबल है, ये भी इसका डबल है ना, लेकिन नाइट्रोजन में क्या हमारा आ गया ना पॉइंट का फर्क, तो क्या हो गया, ये बहुत रेयर चांस होते हैं कि कुछ जो हमारे ये होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो ये आइटम होते हैं, जो उसके एटॉमिक नंबर होते हैं, उनमें पॉइंट का फर्क हो जाता है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।